हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमको इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल जो है वो हमको फाइंड आउट करना है और टी सेक्शन जो है वो हमको गिवन है। ठीक है, तो देखिए, अ टी सेक्शन इज यूज एज अ बीम सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 5 मीटर। ठीक है, टी सेक्शन है, टी सेक्शन और सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन जो है 5 मीटर का है। यूडीएल की इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है कितना है। बेंडिंग स्ट्रेस जो है 165 हमको गिवन है फॉर टी सेक्शन। प्रॉपर्टीज देकर है IXX की डायरेक्टली, देन CXX गिवन है एंड ओवरऑल डेप्थ जो है वो हमको गिवन है। ठीक है, तो टी सेक्शन है, पहले टी सेक्शन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ऐसे कुछ हमारा टी सेक्शन है, ठीक है, ये टी सेक्शन। अब टी सेक्शन का जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ वो कितना बोला है उन्होंने, तो वो बोला है 150 mm। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो 150 mm हमको गिवन है। देन उसके बाद में क्या बोला है, यूडीएल दी हुई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल जो है वो स्प्रेड है और यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है W किलोन्यूटन पर मीटर में, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है हमारा, वो 5 मीटर का लेंथ है। ये 5 मीटर स्पैन लेंथ हमको गिवन है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या, कैपिटल डी गिवन है, कैपिटल डी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ 150 mm, ये गिवन है हमको। ठीक है, सी एक्स एक्स गिवन है 47.5 mm। ठीक है, अब ये सी एक्स एक्स क्या होता है, देखिए फ्रॉम टॉप बोला है उसने। ठीक है, तो सी एक्स एक्स मतलब ये सपोज हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो ये न्यूट्रल एक्सिस से अगर इसका हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकाले, ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये हमारा निगेटिव और ये पोर्शन पॉजिटिव, ये सिग्मा टी, ये सिग्मा सी। ठीक है, अब देखो सी एक्स एक्स फ्रॉम टॉप मतलब कि ये जो टॉप है, टॉप फाइबर, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस ये दिया है हमको, ये होता है हमारा सी एक्स एक्स। फ्रॉम टॉप बोला है इसलिए लेंगे हम लोग, फ्रॉम टॉप कितना बोला है 47.5, तो ये 47.5 mm हमको गिवन है। ठीक है, 47.5 mm जो है वो गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अगर ये निकालना है ये कितना है डिस्टेंस, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल काम कि हमको अगर ये वाई टी कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वाई सी अगर सपोज हो गया, ठीक है, वाई टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वाई टी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ओवरऑल डेप्थ लेंगे, वाई टी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ कितना है हमारा 150 है, 150 माइनस करेंगे 150 माइनस 47.5, ठीक है, तो यहाँ से वाई टी जो है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 150 माइनस 47.5 करने के बाद आंसर आता है 102.5 mm। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया 102.5 mm। ठीक है, तो ये वाई टी हमने निकाल लिया। ठीक है, देन बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस वो कितना है 165 MPa। ठीक है, तो ये देखा रहे वाई टी 165 MPa न्यूटन पर mm². ठीक है, ये हमको गिवन है, इसका हमको वैसे भी काम नहीं पड़ेगा मिनिमम का, मैक्सिमम का काम पड़ेगा 165 MPa का। ठीक है, क्यों, मैक्सिमम लोड कितना कैरी कर रहा वो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन ले लेते हैं इसमें, स्टेप नंबर वन। ठीक है, स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू WL² / 8 सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, तो W की इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है कितनी है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ कितना है, तो लेंथ है हमारा 5 मीटर का लेंथ। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5² / 8 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से m जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, 5² / 8 कर लेंगे। ठीक है, तो वो आता है 3.125 W, और ये रहेगा हमारा किलो न्यूटन इंटू मीटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, इसको ले लेते हैं 3.125 × 10^6 W, और ये हो गया हमारा न्यूटन mm में। ठीक है, तो न्यूटन mm में इसको हमने लिखे आगे। ठीक है, m जो आ गया हमारा वो आ गया न्यूटन mm में। ठीक है,
देन अब इसके बाद में स्टेप नंबर टू, तो आई एक्स एक्स निकालते हैं हम लोग, यहाँ डायरेक्टली गिवन है लिख लेते हैं उसको आई एक्स एक्स, ठीक है। तो आई एक्स एक्स डायरेक्टली दिया हुआ है हमको, वो है 45 इंटू 10^6 mm रेस टू द पावर 4, ठीक है, ये डायरेक्टली गिवन है। देन स्टेप नंबर थ्री, ठीक है, स्टेप नंबर थ्री यहाँ पे निकालते हैं हम लोग वाई टी, ठीक है। तो वाई टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, वाई टी कितना है 102.5, ठीक है। तो यही कर सकते हैं हम लोग, 150 माइनस 47.5 किया था, तो वाई टी की वैल्यू जो आ गई थी हमारी 102.5 mm, ठीक है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं इधर अगर कैलकुलेट कर लिया है तो, या फिर यहाँ पर आके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई टी 102.5 mm आ गया हमारा, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर, ठीक है। तो स्टेप नंबर फोर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है लोड, ठीक है। तो फ्लेक्सुरल इक्वेशन ले लेंगे, फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या है हमारा, एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। अब देखो एम, एम कितना है हमारा, तो ये है 3.125 इंटू 10^6, तो ये हो जाएगा 3.125 इंटू 10^6 डब्लू डिवाइडेड बाय आई, आई एक्स एक्स कितना है 45 इंटू 10^6, ये पुट अप कर देंगे 45 इंटू 10^6 इज इक्वल टू सिग्मा बी, ठीक है। सिग्मा बी, सिग्मा बी कितना है हमारा, तो जो मैक्सिमम रहेंगे वो लेंगे हम लोग, यहाँ पे सिग्मा टी है 165, तो आप सिग्मा बी या फिर यहाँ पे सिग्मा टी भी लिख सकते थे, सिग्मा टी, ठीक है। तो सिग्मा टी है हमारा 165। देन वाई टी, वाई टी कितना निकाला है हमने, तो वाई टी निकाला है 102.5, तो ये पुट अप कर देंगे 102.5, ठीक है। देन इसके बाद में इसको सॉल्व करना है, और यहाँ से W की वैल्यू जो है किलो न्यूटन पर मीटर में हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा W का जो आंसर आता है वो है 23.18 किलो न्यूटन पर मीटर, 23.18 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारा W का आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन करना था हमको, सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें क्या था, सबसे पहले टी सेक्शन दिया हुआ था हमको, सिंपली सपोर्टेड बीम है, टी सेक्शन दिया है, उसकी ओवरऑल डेप्थ दी भी है, और यूडीएल स्प्रेड है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर में, 5 मीटर का इंटायर स्पैन है, ठीक है। तो पहला काम क्या किया हमने, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, वो क्या है डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो हम लोग स्पैन कंसिडर करें किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया, तो न्यूटन mm में कन्वर्ट किया, मतलब 10^6 से मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद में आई एक्स एक्स डायरेक्टली गिवन है, वो लिख दिया 45 इंटू 10^6 mm रेस टू द पावर 4। देन उसके बाद में न्यूट्रल एक्सिस से ये बॉटम तक का डिस्टेंस कितना है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो ये टॉप से दिया हुआ था हमको, ये सी एक्स एक्स जो है सी एक्स एक्स 47.5, ठीक है, ये बोला था फ्रॉम द टॉप फ्लेंज, ठीक है। तो ये टॉप फ्लेंज से है न्यूट्रल एक्सिस तक का सी एक्स एक्स, तो हमारा वो वाई सी है 47.5, तो ये 47.5 ले लिया हमने, 150 माइनस 47.5 कर दिया, तो ये 102.5 आ गया। तो यहाँ पे किया है वाई टी इज इक्वल टू 150 माइनस 47.5, तो 102.5 mm आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्लेक्सुरल इक्वेशन एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाई वाई टी, ठीक है। तो लोड जो है मैक्सिमम निकालना है, तो ये सिग्मा टी और वाई टी ये मैक्सिमम है, तो ये लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 3.125 10^6 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू ले ली, 165 डिवाइडेड बाय वाई टी ले लिया 102.5, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारी 23.18 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल अगर आता है हमको एग्जामिनेशन में, तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Thank you.